वेलकम टू मेरी दुनिया। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बिहार की रेसिपी पिट्ठा। हाँ हाँ, सही सुना आपने, पिट्ठा। दिमाग पे ज़्यादा जोर ना दें, सरल शब्दों में बोलूँ तो पिट्ठा मतलब बिहार का मोमोज। एक्चुअली आज मम्मी से बात करते हुए पिट्ठा का जिक्र हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बना लूँ ये रेसिपी। और हाँ, सुबह में मैंने दाल भर के, चने की दाल भर के दाल की पूड़ियाँ भी बनाई थी, क्योंकि आज के दिन ये दाल भर के पूड़ी, खीर और ये पिट्ठा बनता है। और ये सारी रेसिपी जो है बिहार में गोधन के दिन बनती है। तो मैंने खीर तो नहीं बनाई, बट मैंने ये पिट्ठा बनाया और बहुत सालों के बाद बनाया। दादी कुछ तो कहा करती थी, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं है, कुछ तो ऐसा ही बोलती थी शायद, उड़ चिड़ैया खेत में, गोधन पिट्ठा पेट में। सो ऐसा बोलते थे कि जो पिट्ठा खा लेते वो अमर रहते हैं, ऐसा कुछ तो बोलती थी वो, कुछ ऐसे ही लाइंस बोला करती थी। और सुबह सुबह हमें काजल भी लगाती थी। और इसे बनाते समय ना अचानक से एक ख्याल आया, आप देखिएगा, पहले मैं ये बना लूँगी, सारे सबको स्टफ़ कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे खौलते हुए पानी में डालूँगी। ये जो सारे पिट्ठे हैं ना, ये एक्चुअली चावल के आटे की रेसिपी होती है, तो इसको मैं सबको ये खौलते हुए पानी में डालूँगी। सो, इसको जब मैं खौलते पानी में डाल रही थी तो मुझे अचानक से ख्याल आया कि जब इसे पानी में डालो ना तो ये नीचे बैठ जाता है, ऐसा लगता है जैसे ये डूब गया, पर पानी के तेज ताप में खौल कर ये हल्का हो जाता है और फिर ऊपर आता है और तभी ये पिट्ठा बनके तैयार हो जाता है। ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है ना, शायद पहले दुखों से आपको डुबो देती है और अगर आप डटे रहो दुख, निराशा, निगेटिविटी के ताप को पार कर लो और आप भी इन चीज़ों से ऊपर उठ जाओ, जब आप ये सारी चीज़ें, दुख, तकलीफ, जो भी चीज़ें, आप इसे, इन चीज़ों को डट के पार कर लेते हो ना, तो आप भी ऊपर उठ जाते हो, फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको हर्ट नहीं करती और फिर आप बढ़ते हो अपनी खुशी की तरफ। हाँ, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस पिट्ठा बनाने का और ये अजीबो गरीबो ख्यालात मन में आते रहते हैं, तो इस तरीके से मैंने पिट्ठा बनाया और आप लोगों को अपनी बातों से पकाया। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसका भी बटन दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं दिवाली रिलेटेड डालूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा और खुश रहिए, दुख तो आते जाते रहेंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।